हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सम्राट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सम्राट टेक्नोजोन में। तो क्या आपको पता है कि आप अपने स्मार्टफोन के जरिए किसी भी पर्सन को फॉरेन कंट्री के नंबर से सीक्रेटली कॉल कर सकते हो? और क्या आपको पता है कि आप अपने स्मार्टफोन में बहुत सारे लोगों के पर्सनल स्क्रीनशॉट्स को देख सकते हो? तो अगर आप भी इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोर हो गए हो और आपको मजा नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बहुत ही गजब वेबसाइट्स के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की और यूजफुल साबित होने वाली है। और आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट भी इसी टॉपिक के लिए दिया था, तो बिना किसी देरी के फटाक से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वेबसाइट का नाम है webpushnotifications.com और ये वेबसाइट आपको एक वर्चुअल फोन प्रोवाइड करती है जिसके जरिए आप दुनिया में कहीं भी कॉल कर पाओगे। लेकिन इसकी खास बात यह है कि जो नंबर रिसीवर के फोन में शो होगा वो एक फॉरेन कंट्री का होगा, यानी कि वो इंसान पता नहीं लगा पाएगा कि कॉल आपने किया है। तो अगर आप भी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी को कॉल करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर एंटर करना है और नीचे आने पर आपको आपका वर्चुअल फोन दिखाई दे जाएगा और यहां से अब आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद उस पर्सन का नंबर एंटर कर देना है जिसे आप कॉल करना चाहते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इस वाले फोन का नंबर यहां पे एंटर कर दिया है और इसके बाद यहां से आपको सिंपली कॉल ऑप्शन पे टैप कर देना है और इतना करते ही कॉल लग जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वाले फोन पे कॉल आ चुकी है और ये एक फॉरेन कंट्री का नंबर है जिसका लोकेशन ओंटारियो नाम का कोई जगह दिखा रहा है। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए किसी को कॉल करना चाहते हो तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल आप लोग इमरजेंसी में ही करना, कोई गलत काम करने के लिए मत करना। वैसे मानोगे तो है नहीं, आप लोग मजे जरूर लोगे, इट्स योर चॉइस। तो दूसरी वेबसाइट का नाम है privnote.com और ये वेबसाइट आपके तब काम आ सकती है जब आप किसी को सीक्रेटली मैसेज करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपका मैसेज पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, या फिर आप चाहते हो कि आप किसी को जो मैसेज भेजो वो कुछ लिमिटेड टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाए और वो मैसेज कोई भी ना देख पाए। तो इसके लिए आपको privnote.com नामक वेबसाइट पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको न्यू नोट ऑप्शन के नीचे अपना मैसेज टाइप कर देना है और इतना करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे शो ऑप्शंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ से आपको पासवर्ड लगाने का ऑप्शन दिख जाएगा या फिर आप लिमिट भी सेट कर सकते हो कि आपका मैसेज कितनी देर बाद डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो इतना सब करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट नोट ऑप्शन पे टैप कर देना है और इतना करने के बाद आप देखोगे कि एक और पेज खुलेगा और आपका जो मैसेज है वो एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आप इस लिंक को किसी के भी पास शेयर कर सकते हो और अगर आपने उस लिंक पे पासवर्ड लगाया हुआ है तो वही पर्सन ओपन कर पाएगा जिससे कि वो पासवर्ड पता होगा। और अगर आपने टाइम लिमिट भी लगा दिया है तो उस टाइम लिमिट के पूरे होने के बाद वो मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा और किसी को भी पता नहीं लगेगा कि उस मैसेज में एक्चुअली क्या लिखा हुआ था। तो बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है वेबसाइट, एक बार ट्राई करके आप जरूर देखना। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी वेबसाइट के बारे में। तो इसके अंदर मैं आपको 2 वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे जरूर होंगे जो लोग यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करके पोस्ट करते होंगे या फिर ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत सारे कॉपीराइट फ्री फोटोज और वीडियोस की जरूरत पड़ती होगी या फिर पढ़ने वाली होगी। तो इसके लिए ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेबसाइट्स इसी में आपकी मदद करने वाली है। तो पहली वेबसाइट है pixels.com और ये बहुत ही कमाल की वेबसाइट साबित होने वाली है अगर आप यूट्यूब पे या फिर टिकटॉक पे वीडियो क्रिएटर हो। तो इस वेबसाइट पे एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके स्क्रीन पर शो होगा। आप चाहो तो इस वेबसाइट को कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हो और अपने स्मार्टफोन में भी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा और नीचे आने पे बहुत सारे फोटोज आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी फोटो पसंद आती है तो उसके ऊपर टैप करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। पर अगर आप वीडियोस ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे ऊपर आपको वीडियोस का सेक्शन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर टैप करते ही बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो मुझे ड्रोन शॉट्स वाली वीडियोस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ड्रोन शॉट्स वीडियो सर्च कर दिया है और इतना करते ही बहुत सारी ड्रोन शॉट्स वाली वीडियोस आने लगी हैं। तो यहाँ से आप भी अपनी पसंदीदा कीवर्ड को सर्च कर सकते हो और आपको जो भी वीडियो पसंद आती है उसके ऊपर आपको टैप कर देना है और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि साफ साफ लिखा हुआ है फ्री टू यूज, यानी कि आप इस वीडियो को कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से यूज कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं आएगा। और आप इन वीडियोज की क्वालिटी भी देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है और आप जिस भी क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो। तो दूसरी वेबसाइट का नाम है pixabay.com और ये वेबसाइट स्पेशली फोटोज के लिए है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हो या फिर नेचर फोटोग्राफी वगैरह डालते हो या फिर किसी भी चीज के लिए आपको अच्छी अच्छी फोटोज की जरूरत पड़ती है और आप चाहते हो कि वो फोटोज कॉपीराइट फ्री रहे और एक से बढ़कर एक रहे, तो आपको इस वेबसाइट पे एंटर करना है जिसका नाम है pixabay.com। और इस वेबसाइट पर एंटर करते ही आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ से नीचे आने पर बहुत सारी फोटोज दिखाई देने लग जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई फोटो पसंद आती है तो उसे आप चूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। और अगर आप किसी अलग तरीके की फोटो डाउनलोड करना चाहते हो तो ऊपर सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करके
उन टाइप के फोटो सेक्शन में जा सकते हो और अपनी उस फोटो को डाउनलोड कर सकते हो और जहां चाहे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दोनों ही वेबसाइट्स बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है अगर आप यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर हो। तो चौथी वेबसाइट का नाम है mapcrunch.com। जैसा कि आप जानते हो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसके चलते बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं पे भी घूमने फिरने नहीं जा पा रहे होंगे और उनका मन उतावला हो रहा होगा घूमने फिरने के लिए। तो सच में तो आप अभी कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते, लेकिन ये वेबसाइट आपको थोड़ा फील जरूर ला देगी कि आप कहीं घूमने फिरने गए हो ट्रैवलिंग पे। और इस mapcrunch.com वेबसाइट पे एंटर करते ही ये आपको दुनिया के किसी भी स्ट्रीट की या फिर किसी भी जगह की एक पूरी फोटो आपको दिखाने लग जाएगा। और ये एक नॉर्मल फोटो नहीं होगी, आप यहाँ पे इसे रोटेट करके हर एक जगह को अच्छे से देख सकते हो। और अगर आपको कोई रोड दिखाई दे रही है तो आप उस रोड पे आगे जा सकते हो, पीछे आ सकते हो, जूम कर सकते हो, दाएं बाएं हर जगह से अच्छी तरीके से देख सकते हो। और अगर आपको वो जगह पसंद नहीं आती है तो यहाँ पे ऊपर आपको गो का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसके ऊपर टैप करते ही ये वापस से दुनिया के किसी भी कोने में आपको लाके छोड़ देगा जहां से आप उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। वैसे हो सकता है कि ये वेबसाइट अभी आपको पसंद ना आ रही हो, लेकिन जब आप अपने फोन में या फिर कंप्यूटर में इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो वर्ल्ड टूर किए बिना मन आपका नहीं मानने वाला है। आप ट्राई करके देख लेना। तो इस वीडियो की आखिरी वेबसाइट के बारे में जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो लोग वीडियो को बिना लाइक किए चले जाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। तो यार वीडियो जरूर से लाइक कर देना। तो इस वीडियो की पांचवी और आखिरी वेबसाइट के जरिए आप बहुत से लोगों के पर्सनल स्क्रीनशॉट्स को अपने स्मार्टफोन में देख सकते हो। और इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करके ये टेक्स्ट टाइप करना होगा और उसके आगे कोई भी चार डिजिट का रैंडमली कोई भी नंबर टाइप कर देना है, चार डिजिट का, और इतना करके एंटर कर देना है। और अब आपको स्क्रीनशॉट शो होने लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप रैंडमली चार डिजिट का कोई भी नंबर टाइप कर करके अगर सर्च करो तो आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स देखने लग जाएंगे। और सच में ये स्क्रीनशॉट्स बहुत ही ज्यादा अजीब टाइप के होंगे, या तो किसी के पर्सनल चैट की स्क्रीनशॉट होगी या फिर किसी के पेमेंट चैट की स्क्रीनशॉट होगी। और इसी से रिलेटेड बहुत सारी अजीब अजीब स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन स्क्रीनशॉट्स को कैसे देख पा रहे हो। तो लाइट शॉट नाम की एक एप्लीकेशन है जिसके सर्वर पे ये सारी फोटोज अपलोडेड है और वहां से ये फोटोज ये कीवर्ड डालने पर दिखाई दे रही है। तो इससे आपको ये सीख मिलती है कि अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके फोन या फिर कंप्यूटर में जो भी डिफॉल्ट वाला स्क्रीनशॉट लेने का फीचर दिया है आपको उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज वो एप्स में भी आपका डेटा लीक कर सकती है। वैसे कीवर्ड डाल के आप बहुत सारे वियर्ड टाइप के स्क्रीनशॉट्स को देख सकते हो, तो एक बार जरूर जाके ट्राई करना, कम से कम टाइम पास तो हो ही जाएगा। तो यार ये थी वो पांच सीक्रेट वेबसाइट्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप ऐसी और भी वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप इसका पार्ट वन ऊपर आई बटन पे टैप करके देख सकते हो और उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो को जरूर से शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।